एम्बिशियस लोगों के अनसक्सेसफुल मोमेंट्स। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी अपने सक्सेस अनसक्सेस को एनालाइज किया है, उससे कोई कंक्लूजन निकाला है? अगर निकाला है तो कंक्लूजन पर डिसीजन लेकर उसे कितना फॉलो किया है, क्योंकि ये वो मंत्र है जो हर सफलता या असफलता के बाद आने वाले नेक्स्ट लेवल के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं, सक्सेस होते हैं, और उसे एनालाइज करें या ना करें, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कभी असफल हुए हैं तो उसे एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। वैसे हमारी सक्सेस या अनसक्सेस को हमसे ज्यादा ये दुनिया एनालिसिस कर लेती है। हमारे आसपास के लोग जो हमें वॉच कर रहे होते हैं, वो कंक्लूजन भी निकाल कर बैठ जाते हैं और उसी के आधार पर हमारे बारे में अपनी राय बना लेते हैं। अपनी लाइफ में सक्सेस को लेकर खिलाड़ी सबसे ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। वो सालों साल तैयारी करते हैं ताकि मौका मिलने पर अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकें और अपने आप को साबित कर पाएं। लेकिन क्या हो अगर कोई अपनी या किसी दूसरे की बेवकूफी की वजह से हाथ में आई हुई सक्सेस को खो बैठे? वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आइए देखते हैं खेल की दुनिया के एम्बिशियस लोगों के अनसक्सेसफुल मोमेंट्स। नंबर 1, हम सभी जानते हैं कि पोल वॉल्ट के खेल में एक खिलाड़ी पोल के सहारे ही हाई जंप मारता है। लेकिन क्या हो अगर पोल ही टूट जाए? इस खिलाड़ी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसने दौड़कर जंप तो बहुत अच्छी मारी थी, लेकिन जिस पोल के सहारे इसने जंप मारी वही टूट गया। लेकिन इस टूटे हुए पोल ने आयोजन की पोल खोलकर रख दी। नंबर 2, रेस के लास्ट पॉइंट पर सभी खिलाड़ी दौड़कर आ रहे थे। कुछ वॉलंटियर्स लास्ट पॉइंट पर एक पट्टी लेकर ट्रैक के दोनों ओर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक वॉलंटियर के हाथ से पट्टी छूट जाती है, जिसे उठाने के लिए वो दौड़कर नीचे जाती है और तेजी से दौड़कर आते हुए रेसर से टकराकर गिर जाती है। साथ ही रेसर भी गिर जाता है। कुल मिलाकर इस रेसर की सालों की मेहनत की बैंड बज जाती है। नंबर 3, रेस का फिनिशिंग पॉइंट तो करीब था, लेकिन अभी रेस खत्म नहीं हुई थी। सबसे आगे दौड़ रहे खिलाड़ी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और ये भूल गया कि उसके बगल वाला खिलाड़ी उससे तेज दौड़ने की कोशिश में है। लास्ट मोमेंट पर आकर जीतने के पहले जीत की खुशी एंजॉय करने के चक्कर में रेस हार जाता है। नंबर 4, रेस में सबसे आगे दौड़ रहे इस खिलाड़ी ने देश को लगभग जीत ही लिया था, लेकिन अचानक दर्शकों की तरफ से एक चीज आई जो उसके बदन से टकराई, फिर पैरों से लिपट गई, लिहाजा उसके हाथ आई हुई सक्सेस दूर हो गई। नंबर 5, इस महिला की हरकत पर आप क्या कहेंगे? बाधा दौड़ में सभी खिलाड़ी एक साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन तभी एक रेसर बाधा को कूद कर पार करने की बजाय हाथ से हटाती हुई आगे बढ़ रही है। इसके बाद उसने अपने बगल वाले खिलाड़ी के ट्रैक पर जाकर भी ऐसा करना शुरू कर दिया। महिला खिलाड़ी की इस हरकत पर आपका एक कमेंट तो बनता है। नंबर 6, इस फीमेल हैमर थ्रो खिलाड़ी ने तो गजब ही कर दिया। उसने घूमकर हैमर को थ्रो तो किया, लेकिन हैमर उसके हाथ से छूटकर सीधा बगल में खड़े शख्स के पेट में जा लगता है। नंबर 7, इस खिलाड़ी ने जंप तो खूब अच्छी लगाई, लेकिन अपना मैदान ही भूल गया और मैदान के साइड में लैंड कर गया। अब जजेस इसे कितने नंबर देंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन उसकी कमर चोटिल हो गई ये निश्चित है। नंबर 8, महिलाओं के रेस में सारी महिलाएं पूरे दमखम के साथ दौड़ रही हैं। बड़े कम समय के अंतराल से इन सभी ने फिनिशिंग लाइन को क्रॉस किया, लेकिन जिस महिला ने फिनिशिंग लाइन को पहले टच किया उसे ऐसा धक्का लगा कि वो नीचे गिर पड़ी बेचारी। उसकी सारी कॉम्पिटिटर्स दौड़ कर आगे निकल गई। कुल मिलाकर रेस जीतने के बाद भी इस बेचारी के बैड लक ने इसका पीछा नहीं छोड़ा, जमीन पर गिरा कर ही दम लिया। नंबर 9, इन महाशय की तो रेस जीतने के बाद भी किस्मत खराब थी। विनर को कवर कर रहे कैमरामैन की गाड़ी अचानक स्टेडियम में बने ट्रैक की रेलिंग पर चढ़ गई और कैमरामैन इनके ऊपर गिर पड़ा। कुल मिलाकर दोनों नीचे गिर पड़े। नंबर 10, और इन मैडम ने गोल क्या फेंका, कैमरामैन की शामत आ गई। गोल सीधा जाकर इवेंट कवर कर रहे कैमरामैन को लगा, मैडम अगली बार गोल फेंकने के साथ डायरेक्शन की भी प्रैक्टिस कर लेना। नंबर 11, इस खिलाड़ी ने भाले को बड़ी जोर से मैदान की दूसरी तरफ फेंक दिया, लेकिन भाला मैदान में खड़े वॉलंटियर को लग गया। आप ये कह सकते हैं कि इनकी मेहनत रंग तो लाई, लेकिन इनके काम नहीं आई। तो दोस्तों, ये थे कुछ सफलता से चूके हुए लोगों के विजुअल। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में आपके जो भी कमेंट है बता देना लिखकर। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।